हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरुण और आप देख रहे हैं सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल। आज की अपडेट सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI की तरफ से है और अगर आपने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आज ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो या फिर फाइनल ईयर पे हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पे पूरी प्रोसेस है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आई हुई है, सो चैनल पे बने रहना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आप सभी के लिए डेली बेसिस पर हम लेकर आते हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट्स एंड करियर गाइडेंस के वीडियोस। इसके साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एडवर्टाइजमेंट लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI की तरफ से ये वैकेंसीज आई हुई है। जूनियर सेक्रेटरी रेजिस्टेंट के पोस्ट पे 8 वैकेंसीज है, जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे 3 वैकेंसीज है, तो यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसीज आई हुई है। आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अगर आप इंडिया में से कहीं से भी हो तो आप इस जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप सभी का फर्स्टली कंप्यूटर टेस्ट होगा, इसके बाद रिटन टेस्ट होगा और यहाँ पे आप सभी का 2 रिटन टेस्ट होगा। अगर आप फर्स्ट रिटन टेस्ट पे क्वालिफाई करते हो तो सेकेंड रिटन टेस्ट के लिए आप सभी को अलाउ किया जाएगा। सेकेंड टेस्ट की बेसिस पे आप सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस थी, ये थी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पोस्ट पे। तो आप बात कर लेते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के, तो यहाँ पे आप सभी का एक रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आप सभी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसका मतलब आप सभी का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट की बेसिस पे आप सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200 तक दिया जाएगा, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 25,500 से 81,100 तक आप सभी को दिया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है। SC ST वुमेन और CSIR एम्प्लॉय के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अगर हम एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 10+2 विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी पे होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो 10+2 विद 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट एंड इन इंग्लिश, ट्रांसक्रिप्शन इन 50 मिनट्स एंड 40 वर्ड पर मिनट ऑन इंग्लिश एंड टाइप राइटिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर 40 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पे सेम कंडीशन हिंदी के लिए भी है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स तक है। ज्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हैं। 3rd जुलाई से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और 7th जुलाई को इसका लास्ट डेट है। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले इस वैकेंसीज के बारे में। ज्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेक करना ना भूले। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।